हमारा एक साल का दो साल का ऐसा आता है। DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं online classes from pre-nursery to class 12th 50% discount on girls fees online admission open visit dpsajmer.in आता है अब देखो लॉकडाउन में कमावा था जाता नहीं है खावा पीवा की परेशानी है तो बिल कहां से भरा पहले 1500 रुपए 2000 रुपए इससे ज्यादा बिल नहीं आता दो महीना का अब 8000 बिल का आया चार महीना का तो बताओ कहां से भरा अब सर ने वो टोकन कटा के अंदर गया तो कहे के कोई बिल नहीं है आधा भर दो आधा अगली बार भर दो का तो कहाँ से भर बोला मना कर दिया वो तो बनने पड़ेगा आप टोकन कटा के अंदर गया तो मना कर दिया का बोला है ना आधे अभी भर दो आधा अगली बार भर देना अभी आपका बिल कितना आया है? अभी बिल आया 8000 कुछ पीछे और ऊपर पहले 1500 2000 दो महीना का ज्यादा ज्यादा 2500 था है शांति नगर मलुसर रोड सोरती में नाम और आदमी का नाम रतनलाल जी है सर आज मैं लॉकडाउन के बाद टाटा पावर हाउस आया हूँ और मेरा बिल जहाँ 10000 आता था वहाँ आज बिल मेरा 40000 के पार है और अनाधिकृत चार्जेस इसमें लगाया है करीबन 16000 रुपये। फिलहाल मैं पावर हाउस के बाहर ही खड़ा हूँ अंदर बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है ये चीज़ है अभी मैं मिलने आया हूँ करीबन 10000 रुपये के आसपास लास्ट बिल आता था और आज करीबन 40810 रुपये के आसपास बिल आया है मेरा कितने महीने का बिल है ये करीबन दो महीने का बिल है अभी लॉकडाउन के बाद बस अभी उसी के लिए आया हूँ सर मैं फिलहाल तो बाकी आपकी ऐसे कोई सुनवाई गार्ड वगैरह से व्यवहार कैसा नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल व्यवहार वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बस अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं है मतलब जो 2 फीट की दूरी होती है वो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे निर्मल वर्मा मैं गंज भैया हम बिल भरने गए तो वो टोकन निकाला टोकन निकालने के बाद बोल रहे हैं कि हमने बोला कि सर इतना बिल कैसे आ गया तो कह रहे कि इतना बिल तो आएगा वो रकड़ के बोल रहे हैं क्या हम क्या कर सकते हैं इसमें हमारी गलती क्या है सर 2400 2200 2200 ये बिल आ रहा है और अभी 7000 बिल आ गया सर 7900 सर काम धंधा ही नहीं है फालतू बैठे फ्री बैठे कहाँ जावे चटनी रोटी खा के तो दिन निकाल रहे हम और यहाँ बिल भरने आओ तो बोले यहाँ गुस्सा मत दिखाओ तो गुस्सा कहाँ दिखावे हम किसके पास दिखावे हम गुस्सा रवि मराठा छोटी नागपनी।